ओके सो नथिंग फोन टू के दो नए बैक कवर्स का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं इस वाले वीडियो में ये एरो ब्लेड ब्रांड की तरफ से मैं दो दिन से यूज कर रहा हूँ ये वीडियो कोलैब में बन रही है बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा मैंने क्या फील किया बैक कवर्स के बारे में वो सीधा बताने वाला हूँ आपको एंड जब से ये फोन टू मेरे पास आया है ना मैंने पहले दिन यहाँ पर पीछे पॉलीमर लगा लिया था क्योंकि पीछे का जो बैक पैनल है वो गोल लगा स्प्राइप प्रोटेक्टेड है बट स्क्रेचेज बहुत जल्दी आ जाएंगे एंड आप इसे गंदा नहीं करना चाहोगे तो आप पॉलीमर लगा लेना मैं वीडियो बना चुका हूँ वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो आप एंड एक्सरसाइज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है लाइक शय सब्सक्राइब चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके सर दो बैक कवर्स हैं हमारे पास तो ये पहला वाला मैं अनबॉक्स करता हूं आई थिंक ये क्लियर वाला देखने के लिए मिलता है तो ये क्लियर ट्रांसपेरेंट केस है एंड ये वाला लोग पसंद करते हैं नथिंग फोन टू के साथ क्योंकि पीछे का जो है डिजाइन दिखना चाहिए अच्छी तरीके से एंड uh, अगर बिल्ड ऑफ मेटेरियल ना तो यहाँ पर जो फ्लैट बैक पोर्शन है वो आपको पॉलीकार्बन देखने के लिए मिलता है मतलब प्लास्टिक है तो वो येलो नहीं पड़ने वाला है बट जो साइड फ्रेम है वो टीपीयू देखने के लिए मिलता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम येलो पड़ेगा तो नथिंग फोन टू को डालता हूं मैं इसके अंदर एंड मैं फिर चेक करता हूँ कि पोर्ट्स एंड कटआउट कैसा देखने के लिए मिल रहा है तो वो सब कुछ सही देखने के लिए मिलता है एकदम फिट एंड फिनिश पोर्ट्स एंड कटआउट एकदम परफेक्ट देखने के लिए मिलता है अगर इसके प्राइस के बारे में बताओ ना अगर वेबसाइट से जाकर परचेस कर रहे हो तो मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में तो डिप्शन का इसका प्राइस है अगर आप ऑफिशियल केस जो है नथिंग का वो आपको थाउजेंड का मिलता है ऑफिस आई थिंक फाइव हंड्रेड का मिल रहा है तो उससे भी सस्ता मिल रहा है एंड सेम केस है ऑलमोस्ट सेम बिल्ड ऑफ मटेरियल भी आपको वो देखने के लिए मिलता है तो नेक्स्ट मैंने जो चेक किया वो बटन की टैक्टाइलनेस मैंने चेक करी तो वॉल्यूम रॉकर मैंने चेक किया तो यहां पर बहुत ज्यादा प्रीमियम मैं नहीं कहना चाहूंगा ये ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है अच्छा देखने के लिए मिलता है बट बहुत ज्यादा प्रीमियम केसेस में आपको बहुत प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल सकता है बटन की टैक्टाइलनेस के रिगार्डिंग फिर मैंने यहां पर लीप चेक किया फ्रंट एंड बैक से तो बैक का लीप यहां पर जो है कॉर्नर में लीप देखने के लिए मिलता है बट कैमरा जो बंप है ना वो ऑलमोस्ट सेम सेम टू कह सकते हो आई थिंक सेन मिलीमीटर थोड़ा सा उठा हुआ है ज्यादा ज्यादा उठा उठा हुआ हुआ नहीं है रहेगा तो फिर अल्ट्रा वाइड में आपको दिक्कत आएगी तो बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन नहीं है कैमरा रिंग के लिए बट क्योंकि कॉर्नर में अच्छा प्रोटेक्शन है ना तो अगर फ्लैट डाउन रखते हो तो दिक्कत नहीं आने वाली है फ्रंट से भी आपको ठीक ठाक लीप देखने के लिए मिल जाता है तो ये बैक कवर अच्छा है क्लियर केस डेफिनेटली लोग प्रेफर ज्यादा करते हैं नथिंग फोन टू के लिए तो अगर आप लेना चाहते थे क्लियर केस ये वाला ले सकते हैं एक चीज और बता दू अगर आप वायरलेस चार्जिंग रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सोच रहे तो इस केस के साथ वो कंपैटिबल है तो आप कुछ भी करो वायरलेस चार्जिंग रिवर्स वायरलेस चार्जिंग केस के साथ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एंड अगर अल्ट्रा क्लियर स्किन प्रोटेक्टर अप्लाई करके इस केस को यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कुछ पिल ऑफ वगैरह नहीं होगा तो नेक्स्ट हमारा जो केस है ना ये आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रांडिंग लिखा हुआ है ए आई एम ओ सीरीज का केस है ये थोड़ा सा प्रीमियम आपको दिखता है इसका जो प्राइस बता देता हूँ 499 का इसका प्राइस है ये हाइब्रिड केस है एंड जैसे मैंने इसे निकाला आप देख सकते हो यहाँ पर कोई येलोइंग का सीन ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेम है वो आपको ब्लैक रबराइज मटेरियल देखने को मिलता है एंड जो फ्लैट बैक है वो फिर से पॉलीकार्बोनेट है तो यहाँ पर कोई येलोइंग का सीन नहीं आने वाला है एंड मैंने फिर चेक कराया यहां पर पोर्ट्स एंड कटआउट्स बिल्कुल परफेक्ट देखने के लिए आपको मिलता है कोई दिक्कत नहीं आएगी इवन जो स्पीकर ग्रिल है ना वो भी ढका हुआ है तो ज्यादा धूल नहीं जाएगा आपके स्पीकर के अंदर फिर मैंने बटन की चेक करी तो वो भी ठीक देखने के लिए मिलता है बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है बट पर पर अच्छा देखने के लिए मिल जाता है है एंड एंड नेक्स्ट फिर मैंने फ्रंट बैक में लीप को चेक किया कितना ज़्यादा उठा हुआ है। तो यहाँ पर कॉर्नर में कोई लीप देखने के लिए नहीं मिलता है इवन जो कैमरा का कटआउट है वो सिमिलर पहला वाला जो केस था उसी तरीके का देखने के लिए मिलता है जीरो मिलीमीटर mm थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा ज्यादा यहाँ पर कैमरा के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन नहीं है फ्रंट से भी आपको जो है पहले वाले केस में ज्यादा लीप देखने के लिए मिलता है यहां पर जो है ठीक ठाक लीप देखने के लिए मिलता है बहुत ज्यादा लीप यहां पर भी देखने के लिए नहीं मिलता है बट इसकी जो इन एंड फीलिंग है ना हाथ में जैसे होल्ड करोगे ये केस प्रीमियम दिखता है एंड प्रीमियम फीलिंग आपको आएगी इस वाले केस के साथ एंड यहाँ पर भी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग एंड वायरलेस चार्जिंग का तो सपोर्ट इस वाले बैक केस को मैं यूज भी कर रहा हूं मैंने डाला हुआ है अपने में। उसके साथ आप चेकआउट कर लेना मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है प्राइस अगर मैं कहूँ तो सही देखने के लिए मिलता है एक है फोर का एक है फाइव का डेफिनेटली आप ले सकते हैं कैसा लगा कमेंट बताना कोई भी एक्सेसरीज का चाहिए तो मैंने सारे एक्सेसरीज का लिंक डाला हुआ है कमेंट करो कमेंट आंसर भी मिलेगा मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक देखते रहिए